चौरी चौरा थाना क्षेत्र के बेलवा बाबू गांव में सड़क किनारे खेत में सोमवार की दोपहर प्रॉपर्टी डीलर 42 वर्षीय इंद्रासन की गला रेतकर हत्या कर फेंकी गई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोपहर में शव मिलने के बाद से पुलिस शिनाख्त की कोशिश में जुटी थी, लेकिन देर शाम परिजनों के चिलवाताल थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचने पर पहचान हो पाए। फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ SP नॉर्थ अरविंद पांडे CO चौरी चौरा मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर गुलहरिया इलाके से पुलिस ने इंद्रासन की कार को लावारिस हालत में बरामद कर लिया। शुरुआती जांच के में पैसे के लेन देन में हत्या किए जाने की आशंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करा रही है। आपको बता दें कि चिलवाताल थाना क्षेत्र के संजय निरुदन गांव निवासी रामा के पुत्र इंद्रासन प्रॉपर्टी का काम करते थे। रविवार की दोपहर में 3 बजे के करीब वो घर से निकले थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई कमलेश से मुलाकात की और फिर प्रॉपर्टी का रुपया एक साथी के पास होने की बात कहते हुए नौतनवा जाने को कहे और निकल पड़े। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई और घर वालों को लगा कि वो वहीं पर रुक गए होंगे। कि सोमवार को दिन भर संपर्क नहीं होने पर शाम को घर वाले चिलवाताल थाने पहुंच गए और वहां पर लापता होने की जानकारी दी। इसके पहले ही चौरी चौरा में हत्या कर फेंकी गई इंद्रासन की लाश मिल चुकी थी। चिलवाताल पुलिस फोटो देखते ही चौरी चौरा में मिले शव को फोटो को दिखाया तो परिजनों की पुष्टि हुई और फिर वो चौरी चौरा के लिए निकल पड़े। पुलिस चौकी पर पहुंचकर शव देखने के बाद इंद्रासन के रूप में उनकी पहचान परिजनों ने कर दी। जांच के दौरान ही पुलिस को गुलहरिया इलाके में लावारिस हालत में इंद्रासन की कार भी मिल गई। इसके बाद फॉरेंसिक टीम पर वहां भी भेजी गई और कार की जांच कराई जा रही। इंद्रासन के जेब में कोई कागजात नहीं मिले हैं, मोबाइल के बारे में भी कुछ पता नहीं चल सका। गौरतलब है कि इंद्रासन की 3 छोटी बच्चियां और 1 बेटा है। घर पर मौत की खबर पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। चचेरे भाई कमलेश भी चौरी चौरा के सोनबरसा चौकी पर पहुंचे थे और शव की पहचान के इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए CO चौरी चौरा कपिल देव मिश्रा ने कहा। कान में रिंग पहने हैं सोने का? बेलवा बाबू के सिवान में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है जो धान के खेत में सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। ग्रामवासियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस यहां पर आई है। शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम और अन्य संसाधनों को लगाया गया है शीघ्र ही इस शव की शिनाख्त करके घटना का निवारण करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए।